अभी सीबीआई का समन आपके पास आया है जी जी, इंटरव्यू देने के बाद आया जी जी, क्या ये इंटरव्यू की देने के इंटरव्यू? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि सीबीआई का समन कोई मुझे नहीं आया है कि भाई मैं किसी चीज में इन्वॉल्व हूँ। मैंने किसी मामले को खोला था कि इसमें कुछ गड़बड़ थी, तो उसकी जांच हो रही है। उसमें मेरे से कुछ जानकारी लेने के लिए मुझे कहा गया है कि आप अवेलेबल हो गए क्या, और वो मेरे ही घर पे आ रहे हैं, मुझे कहीं बुलाया नहीं है। तो अभी आपसे कुछ लोग, संगठन के लोग मिलने आ रहे थे दिल्ली में, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, फिर आप थाने में गए थे, वो तो असल में ये जो हमारे यहाँ खाप सिस्टम है, पता नहीं आपके यहाँ है तो आपके यहाँ भी? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। मील खाप तो है, कोई रियर मानो बाकी खाप हरियाणा और यूपी में है। खाप है हमारे यहाँ, तो हरियाणा की खापों ने ये कहा था कि एक दिन हम आके आपको, वी लाइक कम टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडेरिटी विद यू, आप किसानों के लिए लड़े थे, अब आप लड़ रहे हैं तो हम आपको सहायता करने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि फलां तारीख में आ जाइए, मेरे घर पे इतनी जगह नहीं थी, वो लोग हो रहे थे करीब 70 खापों के लोग थे, 300-400 के करीब। तो मैंने उनको, वो सामने एक एरिया है उसका, सेक्टर 12 है इसका, आर के पुरम का, वहाँ उनके खाने का इंतजाम कराया, शामियाना लगवाने लगे। तो मैं घर पे तैयारी हो रहा था, तब मुझे खबर आई कि पुलिस पहुंच गई वहाँ, और पुलिस कह रही है कि यहाँ आप ये नहीं कर सकते। मैं गया तो पुलिस के बड़े अफसर भी थे, डीसीपी, एसीपी, उनका सब, हमें हुक्म है आपका, ये हम यहाँ नहीं होने देंगे। मैं कहा भाई क्यों नहीं होने दोगे, खाना ही तो बना रहे हैं, खाना तो कहीं भी बना के, नहीं नहीं ये डीडीए का पार्क है, आपने इजाजत नहीं ली, और इजाजत में लेता तो देते नहीं। तो मैंने कहा भाई तुम फजीता करना चाहते हो तो करो, चलो मैं चलता हूँ थाने में, बनेगा हमारा खाना। तो हम सब वॉक करके थाने में चले गए, फिर वहीं खाना बना, वहीं खाया, फिर उन्होंने माफी मांगी, फिर उन्होंने ये भी दिया प्रेस को कि हमने कभी उनको वो नहीं किया, डिटेन नहीं किया। पुलवामा के को लेकर अभी सरकार से आपकी कोई मांग है क्या? ना, मेरी कोई मांग नहीं। मैंने तो एक जो बड़ा इंटरव्यू था, कोई अकेले पुलवामा पे नहीं किया था मैंने, वो एक घंटा कुछ मिनट का इंटरव्यू था, उसमें एक साधारण तौर पर जिक्र कर दिया था कि ऐसा हुआ था। सरकार जाने अपना काम, उनकी ड्यूटी है। सर आप जनता दल में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, बीजेपी में रहे, आगे क्या इरादा है? अब मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा। सर पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष में प्राण फूंकने का काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं फूंक रहा प्राण, तो विपक्ष खुद चाहेगा तो फूंक जाएंगे। विपक्ष को सिर्फ इतना करना है कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा कर दो, मोदी जी विल बी नोवेयर, उसी में हार जाएंगे। क्या ये संभव है? संभव है, ये तो मुझे लगता है हुआ पड़ा है। कौन है चेहरा? चेहरा नहीं होता इसमें, चेहरा तो देखो 77 में भी नहीं था, 67 में भी नहीं था, जब जनता तय करती है हटाने का तो हटा देती, बाद में हो जाएगा जो जिसको वो करेंगे लोग।